नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube चैनल रोशनी की बात में आपका स्वागत है। मैं आज फिर से सपनों के संदेश में आपके लिए नया विषय लेकर आई हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि सपने में भैंसा देखना कैसा होता है। दर्शकों, अगर आपने भैंसा शब्द नहीं सुना है तो भैंस तो जरूर सुना होगा। यहाँ भैंस प्रजाति में नर भैंस को भैंसा कहा जाता है। हमारे धार्मिक रचनाओं में भैंसा यमराज की सवारी बताई जाती है। तो विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए जरूरी मैसेज, अगर आपने रोशनी की बात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ये काम अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। विषय पर आते हैं। आज का विषय मैं पहले भी बता चुकी हूँ, भैंसा यानी यमराज की सवारी। दर्शकों, सपने में आपको ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि आपके वास्तविक जीवन में चेतावनी देने का काम करते हैं। ये सपने आपके भविष्य में होने वाली घटना को भी उजागर करने में सहायक होते हैं। अब ऐसे में जब आपको कोई सपना आता है तो यह आपके लिए शुभ है या अशुभ, यह समझना कठिन हो जाता है। इसके लिए एक विशेष समझ की जरूरत होती है। आइए स्वप्न शास्त्र के हिसाब से समझते हैं कि सपने में भैंसा दिखाई दे तो यह शुभ है या अशुभ। दर्शकों, अगर आप सपने में भैंसा देखते हैं तो स्वप्न शास्त्र अनुसार यह मृत्यु का सूचक माना जाता है। यहाँ आप अपनी मृत्यु के संदर्भ में इसे न लेकर यूँ भी समझ सकते हैं कि आपके किसी निकट संबंधी, रिश्तेदार, भाई बंधु, दोस्त या स्वयं की मृत्यु। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भैंसा यमराज की सवारी होती है, तो सपने में भैंसा देखने का अर्थ मृत्यु मान लिया जाता है। पर सपने में भैंसा दिखना हमेशा अशुभ नहीं होता। अगर सपने में आप भैंसे के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं या आप उसकी सवारी कर रहे हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत सफलता मिलने वाली है, और कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में या आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें सफलता के योग है। इसलिए सपने में आप खुद को भैंसे के ऊपर बैठे देखते हैं तो यह सपना अच्छा माना जाता है। अगर आप सपने में भैंसे से डर रहे हैं या भैंसे से लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लड़ाई करते हुए आप जीत जाते हैं तो ऐसे में आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी उनका अंत होने वाला है, और जो आप डर में या चिंता में जी रहे थे वो परेशानियां दूर होने वाली है और जीवन में सुख शांति आने वाली है। दर्शकों, यदि आप सपने में भैंसे के ऊपर भगवान यमराज को बैठे हुए देखते हैं तो ऐसा आयु में बढ़ोतरी का संकेत होता है। ऐसा होना बुरा स्वप्न नहीं होता, यह अच्छी कोटि का सपना होता है। जो व्यक्ति ऐसा सपना देखता है उसकी आयु लंबी होने के योग बनते हैं। इसलिए सपने में भैंसे के ऊपर भगवान यमराज को बैठे हुए देखना शुभ माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप मरे हुए भैंसे को देखते हैं तो ऐसा सपना अच्छा नहीं होता। ऐसे में आपको आने वाले भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर आगे बढ़े, किसी से बैर मत रखें, हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। तो ऐसा यदि करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए सपने में मरे हुए भैंसे को देखना अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता। अगर आप सपने में भैंसे के झुंड को देखते हैं, यानी बहुत सारे भैंसे एक साथ देखना, तो ऐसा सपना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में आपका समाज के अंदर कद बढ़ेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप नए नए लोगों से मिलकर कुछ नया मुकाम हासिल करेंगे। इसलिए सपने में भैंसे के झुंड को देखना बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है। दर्शकों, आज आपने जाना कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में भैंसा दिखाई दे तो इसके क्या संकेत होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल रोशनी की बात को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।